हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। किसी का भाई किसी की जान बॉक्स ऑफिस पर आए 4 दिन हो चुके हैं। आज पांचवा दिन है। 21 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज हुई थी, ईद से एक दिन पहले फिल्म को ठंडा रिस्पांस मिला। जी हाँ, पहले दिन मतलब कि जितनी उम्मीद थी फिल्म कमाई करेगी उतना नहीं कर पाई। पहले दिन इस फिल्म ने 15 करोड़ कमाए जबकि दूसरे दिन 25 करोड़ का बिजनेस किया, जबकि तीसरे दिन यू नो ऑलमोस्ट 26 से 27 करोड़ का आंकड़ा इस फिल्म ने पार किया। और अब हर कोई जानना चाहता है सलमान खान, पूजा हेगड़े, राघव जुआल, जस्सी गिल, शहनाज गिल और पलक तिवारी स्टारर इस फिल्म ने चौथे दिन यानी कि मंडे को कितने का आंकड़ा पार किया है। तो गाइज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मंडे को यानी कि चौथे दिन इस फिल्म ने लगभग 10 से 12 करोड़ के बीच की कमाई करी है। हालांकि ये कमाई उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अब जो टोटल 4 दिनों का जो कलेक्शन है वो 77 करोड़ हो गया है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तक की जो क्रिटिक्स है वो भी यही कह रहे हैं कि विद इन 2 डेज ना ये फिल्म 100 करोड़ क्लब में शामिल हो जाएगी। फरहाद सामजी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 150 करोड़ में बनाई गई है। लागत लगी है 150 करोड़ की और अब ये फिल्म 5 दिनों में या फिर 6 दिनों में ना मैक्सिमम 100 करोड़ पार कर लेगी। हालांकि स्टारडम सलमान का बहुत बड़ा है और स्टारडम की बदौलत ही ये फिल्म तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। हालांकि शुरुआत में ठंडा रिस्पांस था लेकिन बाद में फिल्म ट्रैक पर आ गई है और अब फैंस को आ रही है ये फिल्म काफी ज्यादा पसंद। और उम्मीद है आने वाले वीकेंड में भी इस फिल्म की कमाई में काफी जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। तो गाइज आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने फिल्म नहीं देखी तो देख लीजिए भाई, सलमान की फिल्म है, वन टाइम वॉच तो बनती है। इस वीडियो में इतना ही।